ગુજરાતની વિધાનસભાની ચૂંટણી ખૂબ જ નજીક આવી પહોંચી છે। ગુજરાતની ચૂંટણીના મેદાનમાં અનેક પાર્ટી ઉતરી છે, ત્યારે ટીવી 9ની ટીમે એઆઈએમઆઈએમના અસદુદ્દીન ઓવેસી સાથે વાતચીત કરીને જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે ગુજરાત ચૂંટણીને લઈને તેઓની શું તૈયારી છે, સાથે જ તેમના પર લાગતા તમામ આક્ષેપો પર પણ જવાબ મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો। પોતાના પર લાગતા રાજકીય આક્ષેપો અંગે અસદુદ્દીન ઓવેસીએ શું કહ્યું, ભાઈજાન સાથે ખાસ મુલાકાત સાંભળો। यात्रा हैदराबाद में है। हैदराबाद को सियासी तौर पर कहा जाता है असदुद्दीन ओवैसी का गढ़, और इससे पहले कांग्रेस ने यहां पहुंचकर सीधा हमला बोला ओवैसी पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो हैदराबाद से सांसद हैं। ओवैसी साहब, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर, पहला सवाल यही है कि भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है, चार मीनार के सामने तिरंगा फहरा रहे हैं राहुल गांधी, और उससे ठीक पहले कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया प्रभारी जयराम रमेश कहते हैं कि ओवैसी तो बी टीम है बीजेपी की, ऑक्सीजन लेते हैं बीजेपी से और बीजेपी को बूस्टर डोज लगाते हैं। आप देखिए, जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं वो बेचारे एरोगेंस में डूबे हुए हैं, और हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस महाशय की तरह और सौओं की तादाद में लोग राहुल गांधी के तरफ जमा हो जाएं, तो फिर दुश्मन की आपको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जरूरत ही नहीं है। गालिब ने इन्हीं के लिए कहा था कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन आसमान क्यों हुए। और जो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे लड़ने से इनको फायदा हो रहा है या इनको नुकसान हो रहा है, एक दिन कर ही लेते हैं, दो दो हाथ कर ही लेंगे, छह मिनट में भगा देंगे इनको हम। आप चुनौती दे रहे हैं जरा? अरे चुनौती उनको नहीं, जिसको भी जो बोलता है हम बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी कहते हैं? अरे छोड़िए ना, आपके चाचा जान आप कहते थे उनको? छोड़िए, जब ये देखिए ना, हम किसी को अपना चाचा बनाते, हाँ हम किसी को अपना मामू जरूर बना लेते हैं। चचा चाचा क्या है, कौन है ये? इन लोगों की हमको फिक्र नहीं। आप करिए ना, आप डेटा लेकर आइए, आप बैठिए बात करिए। हाँ, आप हार क्यों रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं, आप में इतनी दम नहीं है, इतना आप में इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है बोलने के लिए कि आपकी लीडरशिप की वजह से देश के प्रधानमंत्री दो मरतबा नरेंद्र मोदी बन गए। लीडरशिप यानी राहुल गांधी? बिल्कुल। क्या खामियां दिखती है आपको? मैं कौन हूँ? आपका लीडरशिप की वजह से हार? नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि जितने जिन लोगों का आप नाम लिए, अल्लाह से दुआ है कैसे और इनकी तादाद बढ़े, इनके अतराफ में यही लोग रहे, उससे क्या होगा? अरे जो अब तक हुआ है वही होता रहेगा मुस्तकबिल में। सर, एक सवाल कांग्रेस की बजाय बीजेपी की ओर लेके जाते हैं। गुजरात में चुनाव चल रहे हैं और मोरबी में एक बड़ा हादसा हुआ है, हालांकि उसके बाद मुआवजे का ऐलान हुआ है, प्रधानमंत्री खुद गए हैं अस्पताल में लोगों को, घायलों को देखने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए, आपकी क्या राय है? नहीं, बड़ा दर्दनाक अफसोसनाक वाकया है, और जो 140 लोग जो अपनी जान खोए हैं, देखिए इंसान को मौत आना है एक दिन, हम सबको जाना है दुनिया छोड़कर, मगर इस तरह से नहीं यार, इस तरह से तो कैसा कोई भाई कोई ब्रिज पे जा रहा है और ब्रिज बैठ जाएगा। एक 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 एक, एक रिलीजियस फेस्टिवल के मूड में लोग हैं, और जिसका इनॉग्रेशन तीन चार दिन पहले हुआ है, और आप 140 लोग इस तरह मरेंगे, इतने लोग जख्मी हो जाएंगे, ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी सरकार वहां पर सत्ता में है, वो इसका ठोस जांच भी करेगी और सही खातियों को गिरफ्तार करेगी। अब टिकट बेचने वाले पे कैसा केस बुक करेंगे बताइए आप, क्या मजाक है? टिकट बेचने वाला तो नौकरी है ना, जो बनाया उसको पूछना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन किया उसको पूछना चाहिए, किसने उनको वो टेंडर दिया अलॉट किया उसको पूछना चाहिए। आप टिकट बेचने वाले गरीब को आप केस बुक कर रहे हैं, ये तो गलत है। ये जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है उनको ये लगना चाहिए कि मुझसे इंसाफ हुआ है, एक्सग्रेशिया से उनसे इंसाफ नहीं हुआ है, एक्सग्रेशिया से इंसाफ नहीं हुआ उनसे, जिन्होंने अपनी मां को, अपनी भाई को, अपने बेटे को, अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनको लगना चाहिए कि हाँ मुझसे इंसाफ हो रहा है। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां इस तरह से बयानबाजी कर रही हैं, वो एक तरीके से मौके की तलाश कर रही थी, जो जख्म है उस पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। फिर से कह रहा हूं कि लाशों पे सियासत करने का मैं आदी नहीं हूं, ना कभी करूंगा। जो लोग लाशों पर सियासत करते हैं उनको मुबारक हो, हम ये कह रहे हैं कि जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होना चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है
कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। 40 लोग डुप्लीकेट शराब पीकर मर गए जबकि वहां पर शराब मिलती नहीं है, कौन जिम्मेदार है उसका बताइए फिर। भाई सरकार आपकी है ना, तो आपको तो जो लोग मरे हैं उनके परिवार को आपको बताना पड़ेगा कि हाँ हम इंसाफ कर रहे हैं, उनको इत्मीनान दिलाना पड़ेगा, वो मुतमईन हो कि हमसे इंसाफ हुआ है। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है, रात के अंधेरे में पानी में गिर जाते हैं, लाशें ढूंढ ढूंढ कर लोगों को निकालना पड़ रहा है, मानी बड़ा ही तकलीफ दे बात है। सर गुजरात की बात करें, अगर गुजरात की सियासत की बात करें तो ताज़ा फैसला है गृह मंत्रालय का, वहाँ के दो जिलों के जिलाधिकारियों को संदेश चला गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आए हुए, अफगानिस्तान के भी, अफगानिस्तान से जो वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज़ यानी कि हिंदू, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध, इन सबों को नागरिकता का सर्टिफिकेट नियमानुसार दे दिया गया। तो जो पहले से मौजूद है, CAA की जरूरत ही नहीं थी उसकी, तो पहले से मौजूद है, वो उसी आधार पर दिया जा रहा है, वो तो पहले से मौजूद जी बिल्कुल। तो ये तो नया काम नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आप इस कानून को रिलीजन न्यूट्रल बनाइए। क्या हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, बीजेपी नहीं कहती बांग्लादेश में अभी भी? क्या टीवी चैनल पर आप नहीं चलाए TV9 पर कि बांग्लादेश में? तो आप तो तारीख लगा दिए उसमें, आपने जो दिसंबर कौन सी तारीख है लास्ट, अब जो क्या करेंगे उसका? क्या हम नहीं देख रहे कि अफगानिस्तान में बीजेपी खुद कहती है कि सिखों पर जुल्म हो रहा है, आपने डेट लगा दी? रिलीजन न्यूट्रल करिए। कई हिंदू लोग जो श्रीलंका से आकर रुके हुए, उनको क्या करेंगे आप? हमारा अपोजिशन यह है कि CAA रिलीजन न्यूट्रल कानून होना चाहिए, और CAA का हम अपोज इसलिए कर रहे हैं कि NPR NRC को उससे जोड़कर देखना पड़ेगा आपको। अब सुप्रीम कोर्ट में आया है, देखते हैं क्या होगा। सर एक और आपकी तरह से एक सियासतदान है, हालांकि वो उनकी दो राज्यों में सरकार है, आम आदमी पार्टी, गुजरात के चुनाव में वो भी जोर लगा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होनी चाहिए, आप सहमत हैं इससे? देखिए उन्हीं के पार्टी के बड़े बड़े लोग लिकर स्कैम में अंदर हैं, नोट कैसे ली फिर? इल्जाम तो लग गया ना उनके ऊपर। फिर एक उनके एक मंत्री साहब जेल में भी हैं, उस पर क्या बोलेंगे? तो कोर्ट तय करेगी, इल्जाम तो लगा उनके ऊपर, कोर्ट क्या करे अब? तो कोर्ट तय करेगा। आप इस लक्ष्मी गणेश नोट पर लगे, इससे सहमत हो? देखिए मेरा, अगर आप एक डिटेल सवाल चाहते हैं तो मैंने एक तैयार किया था नोट, जो शायद बाद में बताऊंगा मैं, मगर उसमें मेरे ख्याल से एक RBI की कमेटी थी, RBI की कमेटी में कुछ तय हुआ था कि इस तरह से हाँ वो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप इजाज़त दें। 2010 में एक RBI पैनल रिपोर्ट डिक्लेयर्ड दैट नो अदर पर्सनालिटी कुड बेटर प्रेजेंट द इथॉस ऑफ इंडिया बेटर देन महात्मा गांधी। तो अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे और कीर्ति आजाद जब MP थे, उनके सवाल के जवाब में लोकसभा में कहा था, उन्होंने इस रिकमेंडेशन को अपहेल्ड किया था और कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट कोई पिटीशन डाला था कि किसी और की पोर्ट्रेट हो, उसको डिसमिस कर दिया। तो मैं तो बहसत मुसलमान नहीं चाहूंगा कि कोई इस्लाम के कोई पोर्ट्रेट्स नोट पर लगाए जाए। भाई आप नोट से क्या क्या गंदगी नहीं करते हैं, क्या क्या आप समाज में बुराई नहीं करते हैं, कहां कहां नोट किस तरह रखते हैं आप? मेरा तो जमीर गवारा नहीं करता कि किसी कि मेरे मजहब के जिम्मेदारों की या जो हमारे मुकाम मुकद्दसा की कोई